जैन साथियों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज दोस्तों हम बात करेंगे ITP कोस्टल ड्राइवर के बारे में, कितना जाएगा आपका फाइनल कट ऑफ, क्या 80 प्लस भी जा सकती है कट ऑफ। कई मुझे कमेंट थे कि सर हमारी जो कट ऑफ है 80 प्लस भी जा सकती है क्या, लॉकडाउन खत्म होने के कितने दिन बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, इसमें हम सब डिस्कस वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन पर्सन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारत में प्रति वर्ष योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आपका ये क्विज प्रश्न है आज का। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत में प्रति वर्ष योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ऑप्शन है 21 जून, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 16 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 जुलाई। इसका आंसर आप मुझे दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अगर आपको आता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ITP कॉन्स्टेबल ड्राइवर 2020। बात करें आपकी पोस्ट नेम के बारे में, कॉन्स्टेबल ड्राइवर की इसमें आपकी दोस्तों पोस्ट है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। कई मुझे कमेंट थे कि सर जो हमारी पोस्ट है ग्रुप डी की तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपकी जो पोस्ट है ग्रुप सी की, काफी अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी सोनार जॉब है गाइज। अगर आप इसमें लग जाते हो ना, लग समझिएगा। ठीक है, बात करें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, इसमें टोटल पोस्ट 134 है, 134 आपकी टोटल वैकेंसीज इसमें फ्रेंड्स। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए, एग्जाम डेट की अगर बात करूँ मैं, 19 जनवरी का पेपर हुआ था इसमें आपका। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ आपका, सबसे पहले इसमें PET होता है, फिजिकल एफिशिएंस टेस्ट, फिर आपका PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके बाद फिर आपका रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। प्रैक्टिकल टेस्ट दोस्तों स्किल टेस्ट ही होता है आपका, आपको टेंशन नहीं लेना इस बात पे कि प्रैक्टिकल टेस्ट कौन सा होता है, स्किल टेस्ट कौन सा होता है फ्रेंड्स, आपका ये दोनों एक ही होता है। और दोस्तों अगर आपको अपना स्किल टेस्ट पास करना है फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो बना दी है स्किल टेस्ट के ऊपर, आपका वहाँ पे क्या क्या करवाया जाएगा, आपसे गाड़ी किस प्रकार से चलवाई जाएगी, किस प्रकार से मड़वाई जाएगी, मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया स्किल टेस्ट के ऊपर। आपको दोस्तों वीडियो जरूर देख लेनी है फ्रेंड्स, अगर आप भाई वीडियो पूरी देख लेते हो, आपके 50 में 50 नंबर की गारंटी भाई मैं लेता हूँ। प्लीज गाइज, आप वीडियो जरूर देखिएगा प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट वाली। ठीक है, उसका लिंक दोस्तों मैं आपको देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, आपका दोस्तों स्किल टेस्ट पास हो जाएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, आपको वीडियो जरूर देख लेनी है। बात करूं आपकी जॉब लोकेशन के बारे में, अक्रॉस इंडिया आपकी जॉब है, ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों आपकी, आपकी जॉब कहीं भी आ सकती है, ये नहीं कि आप यूपी से हो यूपी में आएगी या फिर आप दिल्ली से हो दिल्ली में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये जॉब ऑल इंडिया पे है, आपकी ये जॉब दोस्तों कहीं भी आ सकती है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग करी जा सकती है। ठीक है, ये आपका डाउट है जो मैंने क्लियर कर दिया है। आगे चलते हैं, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें दोस्तों। यहाँ पे देखिए, क्या फाइनल कट ऑफ 80 प्लस भी जा सकती है। कई मुझे कमेंट थे कि सर जो हमारी कट ऑफ है 80 प्लस भी जा सकती है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं भाई, आपको डरना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है। क्या सुना आपने, डीमोटिवेट नहीं होना भाई। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल जो आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, कई तो ऐसे हैं बेचारे 80 प्लस का नाम लेते ही तैयारी छोड़ देते, स्किल टेस्ट की तैयारी भी नहीं करते, फिर बाद में वो स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, आपको डीमोटिवेट भाई बिल्कुल नहीं होना भाई, सबका सिलेक्शन होगा गाइस। अगर आप मेहनत करते हो भाई, आपका सिलेक्शन 100% होगा, आपको मेहनत करते रहना है भाई। अगर आपके 51 नंबर है भाई जनरल से, अगर आपके भाई 50 भी नंबर है भाई, आप तब भी तैयारी जरूर कीजिए भाई। किस्मत का कुछ नहीं पता भाई, किस्मत कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते भाई। अगर आपने रिटन टेस्ट में मेहनत की है तो एक काम करें, थोड़ी मेहनत इसमें भी कर ले, स्किल टेस्ट में आपका 100% इसमें हो जाएगा। ठीक है, मैं दोस्तों आप कुछ कॉमेंट दिखाऊंगा फ्रेंड्स, आप उस कॉमेंट को देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि कट ऑफ 80 प्लस जाएगी या नहीं जाएगी, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मनदीप राजपूत का 49 नंबर है, राजेंद्र कुमार के 58 मार्क्स, ओबीसी की कैटेगरी से विशाल जी के 51 नंबर है दोस्तों, अक्षय कुमार के यहाँ पे देखिए दोस्तों, अक्षय यादव के 63 मार्क्स हैं, पीके महारा के यहाँ पे देखिए 59 नंबर है दोस्तों, और प्रवीण कुमार के दोस्तों 65 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको कुछ कमेंट दिखाए हैं, यहाँ पे एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है दोस्तों जिसके 70 प्लस या 80 प्लस नंबर हो। दोस्तों 80 प्लस तो बहुत ज्यादा होता है, इतना कट ऑफ फ्रेंड्स आपका बिल्कुल नहीं जाएगा, आपका कट ऑफ दोस्तों 50-60 के लगभग रह लेगा। आप टेंशन ना लें, आप स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है दोस्तों जो आपको डीमोटिवेट करते रहते हैं भाई, प्लीज आप मेहनत कीजिए भाई। देखिए अगर आप मेहनत करोगे भाई, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, मेहनत करें आप यार। देखिए भाई, आप मेहनत करें, फल देना या नहीं देना भाई वो भगवान के ऊपर है, ठीक है, आपकी किस्मत के ऊपर है। आप प्लीज अपनी किस्मत को ऐसा ना करें कि बस आपने देख लिया 80 प्लस कट ऑफ जाएगी और अपनी तैयारी छोड़ दें, ऐसा ना करें यार। प्लीज मेहनत करें, स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए गाइज, आपका 100% इसमें हो सकता है भाई। कुछ नहीं पता, जितने भी मतलब तैयारी करें भाई, कहीं उनका कहीं वो सिलेक्शन हो जाए भाई, इसमें आपकी पोस्ट खाली रह जाए, तो किस्मत का कुछ नहीं पता दोस्तों। अपनी तैयारी करते रहिए भाई, डीमोटिवेट मत होइए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। दोस्तों बात करें यहाँ पे, लॉकडाउन खत्म होने कितने दिन बाद आपका होगा स्किल टेस्ट। कई फ्रेंड्स का डाउट था कि सर जो हमारा ये स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, लॉकडाउन खत्म होने कितने दिन बाद हमारे स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हाल ही में जो आपका लॉकडाउन चला पड़ा है दोस्तों भारत में, अभी दोस्तों आपके हालात बहुत गंभीर हैं। ये नहीं कि आपका जो कोरोना वायरस है या फिर मतलब जो बीमारी दोस्तों भारत में आई है अभी सही हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों।
अब इसके मेडिसिन भी तैयार नहीं है ढंग से बात करें तो, ठीक है। अभी काफी केसेस बढ़ रहे हैं, कम से कम 40,000 समथिंग केस हो चुके हैं भारत में। तो फ्रेंड्स मान के चलो आपका कम से कम लॉकडाउन जून तक रहेगा, ठीक है, मई या जून तक रहेगा। दोस्तों देखिए लॉकडाउन खत्म होने के 1-2 हफ्ते बाद आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। फ्रेंड्स जब आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे दोस्तों मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बना दूंगा, अपने चैनल पर डाल दूंगा गाइज, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो गाइज आपको वीडियो कैसे मिलेगी, सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों बेल बटन पर क्लिक करके। दोस्तों अभी देखिए सब्सक्राइब का ऑप्शन, गाइज आपको वीडियो के नीचे ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स साइड में आपको एक मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे बेल बटन का, मतलब घंटी का, गाइज इस पे ऊपर भी क्लिक कर लेना आपको। गाइज वहाँ पे घंटी पे जब आप क्लिक कर लेते हो दोस्तों, जब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, आपको वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मैं वो टाइम से आपको मिल जाएगी। तो गाइज आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कर लेना है। अगर आप भाई ITBP या फिर CISF BASF किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपका कुछ और टॉपिक हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, और फ्रेंड्स आप किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो प्लीज मुझे वो भी जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ITBP के अलावा किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए आपके वीडियो लाइक करने से, चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, एंड गाइस चैनल सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना गाइस। थैंक यू सो मच।